भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कांतदेव सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रामसुंदर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता आदरणीय लल्लूराज बैंस जी और बैंस जी, आप ऐसे नेता हैं जिनका मान सम्मान और स्थान पार्टी में सुरक्षित है, आपका आदर करते हैं हम। मेरे मित्र द्विवेदी जी, भाई सुंदरलाल साहू जी, राम प्राम कुमार द्विवेदी, ज्ञान प्रकाश जी, प्रदीप जी, अरविंद जी। अब समय कम है इसलिए आदरणीय मंच, क्योंकि कल भी आपको पता मैं बाहर रोड जाना पड़ा, मैंने आपको संज्ञा बाहर स्कूल किया था। तो हमारे लोग के प्रत्याशी जिन्हें हमेशा आपकी सेवा करके आपके मन में अपना स्थान बनाया है, भाई राजेंद्र जी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। ये बहनों को पीछे कहा तो मैं आगे तक अजान तो रहे, अजान तो आगे तक। मेरे बहनों और भाइयों, मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके लिए नेता नहीं हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार, आप सब मेरा परिवार है। बाकी कुर्सी वाली मैंने बैठी रहना, सब आगे बताओ, जो खड़ी थी उनको मैंने आगे बुलाया तो पीछे बहुत खड़ी है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ। अब नारे नहीं बेटा, समय कम है, मुझे 15 मिनट में जाना पड़ेगा, तो बात कर लूँ इनसे। मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? बोल के बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? मैं भैया हूँ और भांजे भांजियों का मामा हूँ। ये अपना परिवार है, ये मेरा परिवार, और इसकी सेवा करना मेरी जिंदगी है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरा जीवन केवल मेरी जनता है, आप सब है। और इसलिए अपने परिवार की सेवा के लिए कई योजना हमने बनाई। मेरी बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना बना के दी ताकि बेटिया बोझ ना लगे, बेटी लखपति बन जाए। और अभी अभी ज्यादा समय नहीं तो बाकी योजना नहीं बताऊंगी। अभी अभी मैंने बनाई लाडली बहना योजना। मेरी लाडली बहनों, मैं देखता था गरीब बहनों को, निम्न मध्यम वर्ग की बहनों को अगर 1000-2000 रुपया की जरूरत भी पड़ती थी तो कई बार बहुत परेशानी होती थी। हाथ फैलाने पड़ते, हाथ फैलाने के बाद भी रुपया नहीं मिलते थे तो दिल में दर्द होता था, काश मेरे पास पैसा होते तो मैं बेटा बेटी के कपड़े खरीद देती, खिलौने ला देती, मिठाई खिला देती, किताब खरीद देती। बोलो, होती थी कि नहीं तकलीफ? बताओ मेरी बहनों, होती थी कि नहीं? और मैं तो भैया हूँ तुम्हारा, बताओ करो भैया हूँ ना? आज बात करो, बातों नहीं करेंगे, भैया हूँ ना? तो भैया का फर्ज होता है कि नहीं बहनों के लिए? बहनों के लिए भाई का कोई फर्ज होता है कि नहीं? सगा भाई राखी बनवाता है और बहन को कुछ ना कुछ तो देता है ना, कपड़ा, साड़ी, पैसा, कुछ ना कुछ तो देता है। मैं भी तो सगा भाई हूँ, मेरे दिल में भी आया कि अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दे। फिर मैंने एक बात कही कि सामान देने का कोई फायदा नहीं है, तू तो सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दे, जो खरीदना होगा मैंने खरीद लेगी। और इसलिए हमने बनाई लाडली बहना योजना, और ये तय किया कि हर महीने तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा, हर महीने पैसा डालूंगा। और तब पहले 1000 रुपया और बाद में 1200 रुपया मैंने डालना शुरू कर दिया था। मेरी बहनों, मुझे फिर से बताना कैसी योजना है लाडली बहना योजना, बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं। योजना के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया कि नहीं, अरे खुशी आई कि नहीं। कई बहनों से पूछा मैंने क्या परिवर्तन आया, तो बहन बोली भैया आजकल तो घर में ही बड़ी इज्जत बढ़ गई है, सासू माँ भी बहुत प्यार से बोलती है बहू अच्छी तो हो। और कई ने कहा कि पतिदेव भी आजकल बहुत चिंता करते हैं, गुड्डू की मम्मी अच्छी होती नहीं, पैसा आगे नहीं आए और अब फिर पैसा आ रहे हैं, कितनी तारीख को पैसा आ रहे हैं, अरे बताओ। अब सुनना दस को है धनतेरस मेरे बच्चों, इसलिए धनतेरस के पहले 7 तारीख से ही पैसा डालना शुरू कर देंगे ताकि धनतेरस पर मेरी बहने अच्छी खरीदी करें। जाओ मेरी बहनों खुशी से दिवाली बनाओ, धनतेरस बनाओ, भैया दूध भी बनाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए धरती पर आया है, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं छोड़ो। और राजेंद्र जी धनतेरस के दिन आपकी बहनों को खरीदी करवाने मिल जाएगा, क्या चिंता करना अपनी बहन है यह अपना परिवार। और ये केवल 1250 रुपए का नहीं रहेंगे, बताओ कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डाला था, अब जोर से बोलो देखो डाला था, अभी घेरा नहीं किया कांग्रेस को। और मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था बेटा भांजा भैया इन बहनों के खाते में पैसा डालता था, उन्हें बंद कर दिए, बेटियों की शादी का पैसा ले लिए। आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही है, मैडम प्रियंका गांधी जवाब दो मुझे, तुमने बेटा भांजा भैया बहनों के पैसा क्यों बंद किए थे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तुमने बेटियों की शादी नहीं होने दी और शादी हो गई तो कन्यादान के पैसे कांग्रेस ने ले लिए, ये बाप किया था कांग्रेस ने। मेरी बहनों बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 आप देते थे, कुल 16000, कांग्रेस को 16000 बहनों के मजदूर के छीन लिए थे। तीर्थ यात्रा बंद करवा दी, अभी केजरीवाल आए तीर्थ यात्रा मेरी योजना है, भारत तीर्थ यात्रा तो मैंने 2013 में शुरू कर दी थी जब राजेंद्र बैंस नाम विधायक बने थे। कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा भी बंद करवाई, मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप छोड़ा, सारी योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। प्रियंका गांधी क्यों बंद करी बताओ, मेरी बहन मेरे बुजुर्ग मेरे बेटा बेटी सबकी योजना तुमने छीन ली। देखो मेरे बहन और भाई मैं नहीं कह रहा, जो इंडी गठबंधन कांग्रेस का बनाया है उसकी पार्टी के नेता करें अखिलेश यादव, कांग्रेस तो धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी कांग्रेस, चालू पार्टी अखिलेश यादव है, सारी योजना बंद कर देते और इसलिए कांग्रेस के चक्कर में बता। अभी तो 1250 रुपया मिल रहा है, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ, जैसे ही पैसे आएंगे 1250 से बढ़ा के राजन 1500 कर देंगे, फिर 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने पैसे करूंगा, जोर से बोलो। जब 3000 रुपया महीना मेरी बहनों के खाते में दूंगा तब मुझे शांति मिलेगी मेरी बहनों, तब मुझे चैन मिलेगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं कि अपनी बहनों की जिंदगी बदलूं। लेकिन कांग्रेस अगर आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब योजना बंद कर देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? आगे का सुनो, केवल 3000 रुपया नहीं, अपनी हर बहन को ये भाई लखपति बनाएगा। लखपति दीदी, लखपति। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अपने नेतृत्व से कह रहा हूं। मेरा संकल्प बहनों को गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाने दूंगा, मजबूरी में नहीं देने दूंगा। हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा साल भर की आमदनी, स्व सहायता समूह बना के। और ये मैं करके रहूंगा। मैं इसलिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक है, आपकी जिंदगी बदलना है। इसलिए भाइयों और बहनों, कई बहनें और भाई अपने कच्चे घर में रहते हैं, कई कच्चे घर में रहते हैं, अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना बनाई तो कई को पक्के घर मिल गए, लेकिन कई रह गए। आप बताओ, जिनके पास पक्के घर नहीं है उनके पक्के घर बनने चाहिए कि नहीं? तो हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। अध्यक्ष जी, इसका प्रचार हुआ कि नहीं? फार्म भरे जा रहे। और सुनो मेरी बहनों और भाइयों भी, आने वाले 5 साल में कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। भैया सबके पक्के मकान बनाने के पैसा है। जिंदगी बदलनी है। और किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1000 रुपया किसान भाइयों आपको भी तो मिल रहे हैं। 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 मैं दे रहा हूं। बताओ, कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? और चिंता क्यों करते हो? ये 12000 थोड़ी रहेंगे, पैसा आने दो। लाडली बहनों का बढ़ेगा तो किसान भाइयों का भी बढ़ेगा, चिंता नहीं करते। आपकी जिंदगी केवल भारतीय जनता पार्टी में बदली है। 0% ब्याज पे कर्जा से लेके एक नहीं अन्य कोई योजनाएं मेरे किसान बहनों और भाइयों के लिए। और परिवार की सरकार का मतलब रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों 450 रुपया में ही दूंगा, चिंता मत करना। मेरी बहनें रसोई गैस पर रोटी बनाए। और परिवार की सरकार का मतलब, कहीं मुझे बहनें मिली, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, तो चिंता मत करना, बड़े हुए बिजली के बिल ये भैया भरवाएगा। तुम्हें 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को। परिवार की सरकार का मतलब मेरे भांजे भांजियों का ध्यान। ये जरा जरा से बच्चे, मैं जहां से गुजरता हूं माँ की गोद से बैठ के भी चिल्लाते रहते हैं, ए मामा, ओ मामा, ए मम्मा। अब ये जानते नहीं कि मुख्यमंत्री क्या होता है। इनको तो ये पता ही आदमी दुबला पत्ता अपना मामा है। ये मामा भांजे भांजियों का प्रेम है। और इसलिए इनकी पढ़ाई की व्यवस्था सीएम राइज स्कूल बनवा रहा हूं। यहाँ कहा बन रहा है सीएम राइज स्कूल? बरगमा में सीएम राइज स्कूल। एक स्कूल 40-40 करोड़ का प्राइवेट स्कूल से कई गुना ज्यादा अच्छा स्कूल बना के दूंगा। वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, सब चीजें होगी। और प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगे। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। राजेंद्र जी जाओ, 10 सीएम राज स्कूल तुम्हारे क्षेत्र में बना। हर 20-25 गांव के बीच में एक स्कूल, ताकि बच्चे आए, बस सजाए, अच्छी पढ़ाई करें। कांग्रेस ने तो बच्चों का भला कभी नहीं किया। अरे दूसरे गांव बच्चे पढ़ने जाए तो मामा 4,500 रुपया साइकिल के डाल, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप, कंप्यूटर। और 12वीं में अगर बेटा बेटी फर्स्ट क्लास पास हो तो मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। ये कांग्रेस ने तो लैपटॉप भी छीन लिया। और अब सुनो, अपने बच्चे गरीबों के, किसानों के अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? ऐसे मरी आवाज में नहीं, जरा जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और आगे आने वाले समय में 5 साल में जो हमारा संकल्प है उसको घर घर पहुंचा दो, गांव गांव पहुंचा दो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार। जिंदगी लोगों की बदलना है भाई, इसलिए हम सरकार में आना चाहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ो। आपके तो आधे नेता भी जेल चलेगा भ्रष्टाचार में। ये झूठे लोग आपका भला नहीं कर सकते। देखो कांग्रेस में तो कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। दिग्विजय अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, कमलनाथ अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, और दिग्विजय और कमलनाथ की चक्की में पूरी कांग्रेस पिस रही है। ये जीत गए तो जनता को भी पीस देंगे। ये अपने अपने बेटा को स्थापित करने में लगे हैं। मेरे बेटा बेटी तो पूरे मध्य प्रदेश के बेटा बेटी है। बहनों भाइयों, ये सब मेरे, ये बहने मेरी है, ये गरीब मेरे, ये किसान मेरे हैं। मैं तुम्हारी भलाई में लगा हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं तुम्हारी भलाई में लगा। इस देवसर क्षेत्र में जितने विकास के काम किए मैंने किए, राजेंद्र ने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बताओ कांग्रेस ने कभी काम किए थे क्या? और इसलिए इसके चक्कर में मत आना। आप बताओ मुझे, आप सबको मुझ पर विश्वास है? सब बताओ, सबको विश्वास है? तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा? तो फिर से मेरी सरकार आनी चाहिए कि नहीं? फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए कि नहीं? तो मेरी सरकार तब आएगी जब राजेंद्र मेश्राम विधायक बनेंगे। राजेंद्र आपका सेवक, निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से आपकी सेवा की, इसलिए आप राजेंद्र को आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाए और मामा को भी आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को भी आशीर्वाद देते हैं। तो बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा। एक बात और, अकेले हम काहे को चुनाव प्रचार करें? बताओ, पार्टी को जिताने के लिए आपको भी चुनाव प्रचार करना चाहिए कि नहीं? तो सब निकल जाओ 10-12 दिन के लिए और कह दो मामा जी की पार्टी को जिताएंगे, मोदी जी की पार्टी को जिताएंगे, राजेंद्र मेश्राम को जिताएंगे। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम बीजेपी को वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत सभाएं हैं, फिर भी मैं उतर के जब तक भाई बहनों से मिल नहीं देता, मुझे चैन नहीं मिलता, तो फटाफट मिलते हुए जाऊंगा।